Alvida, yara alvida, ho rahe tumse hum juda, le chale sare gum tere, khush rahe yara tu sada, tumse bhi zyada hongi ab yaade pyariyan, hum dono ki hai apni apni laachariyan, ab haste haste tum pe le khushiyan paariyan. Marz bhi hai deti, dard bhi hai deti, चैन भी है देती, जान भी है लेती यारियाँ. ना छोड़े यारियाँ, यारी यारी हर कोई कर दावे, यारा रो यारी दे बस जो पै जावे, वो पगला वो झल्ला है. तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की हैं अपनी अपनी लाचारियां, अब खुद ही खुद में अब तो कर देंगे लापता. मान ले तू ऐसे है जरा भोले से, जानते हैं वैसे है निभानी कैसे यारियां. Ladies and gentlemen, the one and only Sunidhi Chauhan live on Indian Idol. Sunidhi, aapne, you felt the song so much. Main singers ko dekh raha tha, they were learning a lot from that little song that you have sung. Inko pata lag gaya ki hame kya karna chahiye to become the next Indian Idol. It's not easy. It is, this is what singing is all about. Give her a big hand, everybody. सुनिधि, आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं, ये तो शायद दुनिया में सभी जानते हैं, लेकिन आपकी जो खास महारत है गायकी का, जो वेस्टर्न अंदाज है, ये क्या आपके दिल में एक स्पेशल जगह होल्ड करता है? देखिए, हर तरह का गाना गाना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो वेस्टर्न स्टाइल से मैं गाती हूँ उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और मैं जब वो करती हूँ अपने गानों में लाती हूँ तो उसमें एक थोड़ा अलग सा मज़ा आ जाता है, वो लोगों को सुनने में मजा आता है. आई एंजॉय बहुत myself अलग नहीं, बहुत ज्यादा मजा आता है. थैंक यू. वेल, आज हमारे टॉप 8 को भी इम्तिहान देना होगा गायकी के वेस्टर्न अंदाज का, एंड आई एम श्योर कि आपकी परफॉर्मेंस ने इन्हें इंस्पायर किया होगा. इम्तिहान हो गया है और मुश्किल, क्योंकि आज उन्हें गाने हैं हिंदी फिल्मों के कूलेस्ट हिपेस्ट गाने, यानी इम्तिहान देना है गायकी के वेस्टर्न अंदाज का. या बेबी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? या बेबी, या ऑफ कोर्स ठीक है यार. गायकी का वेस्टर्न अंदाज आज थीम है, तो यू नो मिनी Just go with the flow. Yeah, I'm sure कि आज सिर्फ तुम ही नहीं, सारा हिंदुस्तान is going to move to the groove जब गाएंगे हमारे top 8 contestants. बिल्कुल. अरे एक मिनट मिनी, हमारे contestants तो अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे एक जज मिसिंग है. Actually, सलीम को एक कॉन्सर्ट के लिए बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो आज नहीं आ सके, पर उनकी बेस्ट विशेज हमारे सब फाइनलिस्ट के साथ है. राइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बुलाते हैं हमारे पहले फाइनलिस्ट को. हमारे पहले फाइनलिस्ट एक मैराथन रनर है, 8 साल से अपने सपने के पीछे दौड़ लगा रहे हैं. बिहार के लाला टर्न मुंबई के डूड अमिताभ नारायण.
अकेले 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 कहाँ जा रहे हो रहे हो रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो तड़पता ना छोड़ो मेरी जान हो तुम तड़पता ना छोड़ो मेरी जान हो तुम ये मुखड़ा ना मोड़ो मेरी जान हो तुम ये मुखड़ा ना मोड़ो मेरी जान हो तुम मेरा दिल ना तोड़ो मेरी जान हो तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो कोई रोक लेगा सर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। अब जजेस से पूछते हैं कि उन्हें आपका जो वेस्टर्न गायकी का अंदाज है कैसा लगा। आशा जी आपसे शुरू करें। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी आवाज लगी, बहुत सुर में था, एक जगह सुर में थोड़ा सा गया था लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन इसका जो गाने का स्टाइल था ना, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, ऐसे गाया था रफ़ी साहब ने, फिर आवाज़ खोल दी थी, लेकिन अकेले अकेले एकदम सॉफ्ट गाया था। आज सबका रंग रूप ही एकदम बदल गया है, आपके बाल नहीं हैं बराबर, मतलब नहीं मैम बाल हैं, थोड़े कम हो गए, बस कम हो गए। और हुसैन जी आपका सूट बहुत सुंदर है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। तो आज सब चीज़ें सुंदर सुंदर है, तो आज प्रोग्राम भी सुंदर होने वाला है। थैंक यू सो मच अमिताभ। पहले तो आपका ये लुक बहुत अच्छा है, आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, थोड़े नए नए से लग रहे हैं अमिताभ। हाँ सुर थोड़े और अच्छे हो सकते थे, मुझे थोड़ा सा वीक लगा कहीं कहीं। जब आप ऊंचे नोट्स लगाते हैं एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं, वो जैसे अकेले एक एक्सप्रेशन, अकेले अकेले एक पुकार जिसे बोलते हैं, एक ऐलान करना, राइट। आपका अकेले अकेले फिर आप विब्राटो लेके आते हैं, तो उसको प्लीज़ संभालिए, ध्यान रखिएगा। अमिताभ ये थर्ड गाना है, वी आर नाउ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द इंडियन आइडल ना। मुझे ऐसा लग रहा था जब तुम गाना गा रहे थे, इट वॉज नॉट एफर्टलेस सिंगिंग, आपको पहले बोलों को समझना पड़ेगा, सुर के साथ बोल भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अमिताभ इट वॉज जस्ट ओके सिंगिंग एंड यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, कुछ भी हो सकता है, दैट्स ऑल। थैंक यू जजेस। अमिताभ कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन कोई बात नहीं, कंटेस्टेंट्स हम लोग हमेशा जनता और जजेस से कहते हैं स्कोर्स देने के लिए, वोट करने के लिए। इस बार हम चाहेंगे देवेंद्र आप बताइए। टेंशन मत हो यार देवेंद्र, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये थोड़ी पूछने वाला हूँ कि आप बताइए कि आप कितने स्कोर्स देंगे उनको, मैं ये पूछ रहा हूँ बताइए कि अमिताभ कैसे लग रहे। बहुत बहुत अच्छे लगे।
विपुल, मैंने देखा आपको जब अमिताभ ने एंटर किया था तो एकदम अचानक आपका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो हम एक्चुअली इनको छेड़ते हैं कि पहले घोंसला था सिर पे, तो अब वो निकल चुका है और अब बिल्कुल ही इज लुकिंग डैशिंग। जिन लोगों को याद नहीं कि अमिताभ पहले कैसे लगते थे, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट हिज बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।